प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर ये हमारी सेकेंड वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखेंगे. और ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओई हमने उसके लिए लिखा, मार्केट एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस मार्जिन अगर हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए हम यहाँ पर रेलेवेंट आइटम, इसका मतलब है रेलेवेंट आइटम यानी यहाँ ये जो भी चीज़ हमें चाहिए जिसका मार्जिन कैलकुलेट करना है वो लिखेंगे. जैसे CGS का अगर मार्जिन यानी हमने देखना है CGS का सेल्स से सेल्स का कितने परसेंट है तो यहाँ हम CGS लिख देंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है कितने परसेंट है सेल्स का तो यहाँ हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख देंगे. इसी तरह जो जिस चीज़ का भी हमने मार्जिन कैलकुलेट करना है यानी सेल्स से परसेंटेज चेक करनी है वो हम लोग लिखेंगे. जैसे हम यहाँ कहते हैं CGS जो है वो है हमारा 2 लाख और सेल्स के थ्रू जो अमाउंट आई है वो है हमारे पास 5 लाख. तो 2 लाख डिवाइडिंग बाय 5 लाख और ये हमारे पास आ जाएगा 40%. तो हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 40% है सेल्स का. इस तरह से हमें पता चल जाएगा. इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें बताती हैं हमें जिस भी चीज़ का मार्जिन कैलकुलेट करना है उसकी अमाउंट को लिखना है और डिवाइड कर देना है उसको सेल्स से. इसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट. अगर हमने ये चेक करना है कि एक कंपनी नेट इनकम या कितना कमाती है अपने एसेट्स पर यानी जितने एसेट्स बिजनेस में लगाती है उस पर कितना अर्न करती है अगर हमने ये देखना है तो हम लोग ये करेंगे कि कंपनी की अर्निंग यानी नेट इनकम इंटरेस्ट और टैक्स को लेस करने के बाद जो अर्निंग है अर्निंग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर है रुपीज़ एज्यूम कर लेते हैं ये है 1 लाख और जो कंपनी ने एसेट्स इन्वेस्ट किए हुए हैं वो हैं रुपीज़ 2 लाख के टोटल एसेट्स. तो 1 लाख को 2 लाख पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये आ जाता है 50%. यानी कंपनी जो है कंपनी का रिटर्न उसके एसेट पर है 50%. जितना एसेट्स में इन्वेस्ट करती है उसका 50% कंपनी अर्न करती है. इसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को. कैपिटल एम्प्लॉयड को इससे पहले भी हम देख चुके हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड हम कहते हैं टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी को और हम लोग यहाँ पर EBIT यानी हम जो अर्न करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे EBIT सेल्स में से तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. इंटरेस्ट को लेस नहीं करना टैक्स को लेस नहीं करना. जैसे हमारी अगर सेल है यहाँ 5 लाख और तमाम एक्सपेंसेस हैं हमारे 2 लाख हमने लेस किया बाकी आ गया 3 लाख इसको लिखा और कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को और टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होता है टोटल एसेट्स के. तो ये है हमारे पास 2 लाख. तो ये हम लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो ये आ जाता है 150%. तो ये हमें बताता है कि हमारी कंपनी जो रिटर्न आ रहा है EBIT जो आ रहा है वो 150% है कैपिटल एम्प्लॉयड के. तो यहाँ हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस से रिलेटेड ही 3 रेशोस को कैलकुलेट किया और हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ का मार्जिन कैलकुलेट करते हैं. रिटर्न ऑन एसेट किसे कहते हैं नेट इनकम को टोटल एसेट पर डिवाइड करने को. इसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं.